और चलिए बढ़ते आगे और बात होगी महतारी वंदन योजना की। आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। आपको बता दें कि 70 लाख महिलाओं को तीसरी किस्त जारी होगी। महिलाओं के खाते में 1000 ट्रांसफर होंगे। मार्च में जारी की गई थी महतारी वंदन की पहली किस्त और इस बीच इस पूरे मामले पर ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और ये तीसरी किस्त है, पहली किस्त मार्च में, उसके बाद दूसरी किस्त अप्रैल में और तीसरी किस्त अब जो कि मई में, 1 मई आज तीसरी किस्त जारी होने वाली है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इन महिलाओं को इंतजार था महतारी वंदन की किस्त का और अब आखिरकार ये इंतजार खत्म होने जा रहा है और बस कुछ देर के बाद इन महिलाओं के खातों में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 70 लाख महिलाओं के खातों में जो इस योजना की राशि है, योजना की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ रही हैं। लक्षिका, महतारी वंदन योजना की किस्त जारी होने वाली है आज, 70 लाख महिलाओं के खाते में एक बार फिर से राशि पहुंचेगी, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला था वो महतारी वंदन योजना का था। महिलाओं के लिए ये योजना रही है और साल भर में हर महीने 1000 यानी साल भर का 12000 रुपये महिलाओं के खाते में पहुंचेगा। ये वादा था, ये मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने कही थी और देखा जाए तो ये तीसरा महीना है जब महिलाओं के खाते में 1000 रुपये एक बार फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। पहला महीना मार्च के महीने में 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की गई थी और फिर 3 अप्रैल को जारी की गई थी। और कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज यानी 1 मई को जो तीसरी किस्त है महतारी वंदन योजना की वो महिलाओं के खाते में चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करी कि 70 लाख महिलाओं के खाते में ये जो 1000 रुपए की जो राशि है वो जारी की जा रही है। तीसरा महीना है और आज 1 मई है, श्रमिक दिवस है और श्रमों मजदूरों में काफी बड़ी संख्या महिलाओं की भी होती है। ऐसे में 1000 रुपए उनके खाते में पहुंचना ये महिलाओं के लिए काफी उत्सव का दिन हो जाएगा। आज श्रमिक दिवस भी है और आज कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होने वाले हैं, श्रमिकों को वो सम्मान देंगे। तो ऐसे में महतारी वंदन योजना का जो पैसा है आज के दिन अगर जारी हो सकता है, हो गया तो ये काफी उनके लिए खुशी की बात होगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हालांकि ये भी कहा था कि हर महीने के पहले जो सप्ताह है 1 से 7 तारीख उसमें जारी की जा सकती है ये जो महतारी वंदन योजना की राशि है, लेकिन उप मुख्यमंत्री विष्णु जो अरुण साव है उन्होंने कहा है कि 1 मई को जारी किया जा सकता है। तो देखना होगा कि कब तक आज के दिन में ये योजना की राशि है। क्योंकि चुनावी मौसम है लेकिन ऐसे में कोई सरकारी जो काम है वो नहीं होंगे, तो क्या कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा या सीधे डायरेक्ट इस राशि को भेजा जाएगा महिलाओं के खातों में? नहीं, देखिए, पिछले 2 महीने से जिस प्रकार से जारी किया जा रहा है पैसा वो सीधे महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाता है। महिलाओं द्वारा ही ये जानकारी दी गई है कि सीधे उनके खाते में ही पहुंचता है, जिसके जिसके खाते सीधे जो है वो जुड़ चुके हैं, जो भी अकाउंट डिटेल्स जिनके कोई समस्या नहीं रही है तो सीधे अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। कुछ खास कार्यक्रम इसके लिए अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, ट्वीट करके जानकारी दी जाती है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा, बड़े बड़े जितने भी दिग्गज नेता है उनके द्वारा, कि महिलाओं के खाते में पैसा जारी कर दिया गया है। लक्ष्मी का बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।